वेलकम टू मंथली करंट अफेयर। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ जून 2023 विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ क्लर्क, नायब तहसीलदार, स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज एंड एसएसपी एट्सेट्रा। सो ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जितने भी हमारे पास ऑल इंडिया में होते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जून 2023 में हमारे इंपॉर्टेंट डेज थे उनके बारे में एक बात उनको रिव्यू करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ जून को वर्ल्ड मिल्क डे, सेकंड जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, फोर्थ ऑफ जून को वर्ल्ड डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन डे, पाँच जून को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, सेवन्थ ऑफ जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आठ जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 16 जून को माइट्रायल डे ऑफ गुरु गोविंद सॉरी गुरु अर्जुन देव, 17 जून को क्या होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 जून को स्किल सिकल सेल अवेयरनेस डे, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे इंपॉर्टेंट है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 29th ऑफ जून को नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे एंड थर्ड संडे ऑफ जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे। तो और क्वेश्चन की बात करते हैं, हु ऑफर्स KSS-3 बैच 2 सबमरीन्स टू इंडिया, दैट इज़ ए साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया जो है इंडिया को देना चाहता है KS-3 बैच 2 के सबमरीन्स। हु बिकेम फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज सी परमिंदर चोपड़ा जी। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी ऑफ यूके लॉन्चेज हिंदी कोर्सेज, हिंदी में कोर्सेज किस यूके की यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, दैट इज बी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। मोगरा, ठीक है, मोगरा हाउसिंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज डी ओडिशा। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विल बी रीनेम्ड आफ्टर, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की वो किसके नाम पे उसका नाम रखा जाएगा, दैट इज डी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है वो अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे रखी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट एंड इंडिया की 18th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ पे चलेगी, किस किस के बीच में चलेगी, गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। टोटल जो है आजकल हमारे पास 23 क्या है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। यांगकॉन्ग स्पेस स्टेशन इज अ स्पेस स्टेशन ऑफ, दैट इज ए, ये चाइना का एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है अभी अभी इन्होंने वहाँ पे भेजे हैं, इंक्लूडिंग उनमें से एक सिविलियन भी है, कहाँ के टियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए चाइना से इन्होंने भेजा है, ठीक है। हमारे क्या है, हमारे एक हमारे पास क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि कई कंट्रीज का एक कलेक्टिव स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन होता क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ से बाहर हमने क्या रखा होता है, एक स्पेस स्टेशन रखे होते हैं, एक चाइना का है, इसका चाइना के ऊपर, चाइना का पूरा हक है इसके ऊपर क्योंकि ये चाइना ने खुद बनाया है, और एक स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि USA, रशिया, कनाडा, जैक्सा मतलब जापान की एजेंसी एंड यूरोप की एजेंसी उन्होंने मिलकर बनाया है, ठीक है। जो ये टोटल जो इन्होंने बनाया है USA वगैरह ने बनाया है इसका नाम है ISS, और जो चाइना ने बनाया है उसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो वहाँ के लिए, ठीक है, चाइना ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट जो है वहाँ के लिए भेजे हैं। खीर भवानी मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज बी जम्मू एंड कश्मीर। वो हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर अ 4-year टर्म, ठीक है, WHO के वर्ल्ड WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके जो एक्सटर्नल ऑडिटर है 4 साल के लिए फिर से किसको रीइलेक्ट किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि इंडिया के CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। किसने जीता है CAVA विमेन चैलेंज कप 2023 का टाइटल, दैट इज ए इंडिया, ठीक है, रंद्र प्रहा कजाकिस्तान, थर्ड प्लेस पे आया नेपाल, फोर्थ प्लेस पे आया उज्बेकिस्तान, पहले नंबर पे है इंडिया। ये एक वॉलीबॉल चैंपियनशिप है जो कि काठमांडू नेपाल में हुई है।
एक्सपोसैट मिशन इज ए मिशन ऑफ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड दैट इज डी इसरो। द टैली लॉ प्रोग्राम, ठीक है, टैली लॉ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कब हुआ था, दैट इज सी 2017 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट अचीव्स 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, दैट इज बी तेलंगाना। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड हाउ मैनी टाइम्स सिंस 2014, ठीक है, 2014 से के मुकाबले आज तक इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस के जो मटेरियल है वो हम बाहर को बेचते हैं, ठीक है, उसका उसमें कितनी वृद्धि हुई है, दैट इज बी 23%। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया के प्रेजिडेंट कौन बने हैं, बोला टिनुबू जी, ठीक है। नाइजीरिया एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, गल्फ ऑफ गुएना के पास, कैपिटल इसकी अबूजा है, वाइस प्रेजिडेंट है काशिम शेटीमा, सीनेट प्रेजिडेंट है अहमद लावन, हाउस स्पीकर है फेमी जी एंड चीफ जस्टिस है ओ अरिबुला, ठीक है, और यहाँ के प्रेजिडेंट बने हैं बोला टिनुबू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है यहाँ की। महाराष्ट्र के जो बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज है वो किसके नाम पे रखा जाएगा, दैट इज वीर सावरकर जी के नाम पे रखा जाएगा। वो बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की है, टर्की के प्रेजिडेंट कौन बने हैं, टैपी इरडोगन जी यहाँ के प्रेजिडेंट बने हैं। वि स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस नमो सेहतकारी महासम्मान योजना, ठीक है, दैट इज बी महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपये जो है पर ईयर दिए जाएंगे किसको, 1 करोड़ फार्मर्स को, जो कि महाराष्ट्र के फार्मर्स होंगे, ठीक है, मनो सेहतकारी महासम्मान योजना। न्यू लेबरेशन जो वार गैलरी है वो इनॉग्रेट की गई है बाय इंडियन कल्चरल सेंटर के द्वारा, कहाँ पे, ढाका में, ठीक है, ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में। द नेम ऑफ द इंडियाज, इंडिया की फर्स्ट जो इंटरनेशनल क्रूज वेसल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है MV एक्सप्रेस, ठीक है, और ये चेन्नई टू श्रीलंका तक जाएगी, इसकी पहली राइड जो है वो चेन्नई से श्रीलंका तक की है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत ये होगा कि जितना भी टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे चेन्नई में टूरिज्म के लिए काफ़ी लोग आएंगे, उनको हम इसकी सवारी करा के श्रीलंका तक लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करा सकते हैं, तो इसका नाम है MV एम्प्रेस, ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है। हु इज गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, तो IUCN के जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 है वो कहाँ पे की जाएगी, होस्ट की जाएगी, वो की जाएगी होस्ट बाय UAE, कहाँ पे, अबू धाबी में, ठीक है, ये 9-15 अक्टूबर 2025 को की जाएगी। अब IUCN के बारे में जानते हैं, IUCN का नाम है हमारे जो नेचर है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये इंटरनेशनल यूनियन बनी है, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास स्पीसीज होती है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, जो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं वो एक्सटिंक्ट में आते हैं, जो 100 के आसपास बचे हैं उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते हैं, जो 1,000 से 2,000 के बीच में होते हैं उनको एंडेंजर्ड बोलते हैं, वनरेबल उनको बोलते हैं कि इनकी पॉपुलेशन पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत ही तेज़ी से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद आती है लीस्ट कंसर्न, मतलब कि जिनके ऊपर अभी ध्यान देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह जिनकी संख्या जो है वो कम हो रही है उनको हम इन रेड लिस्ट की जोन में डालते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था ये अक्टूबर 1948 को। प्रोजेक्ट कुबेर जो है बेंगलुरु में किसने लॉन्च किया है, दैट इज बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे बनेगा, दैट इज ए भिवंडी तालुका, ठीक है, जो कि भिवंडी तालुका कहाँ पे आता है, वो आता है थाने डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है, ठीक है। 78th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, दैट इज डेनिस फ्रांसिस।
हु वॉन टू गोल्ड मेडल्स इन फ्लैंडर कप 2023 एथलेटिक्स, मार्केसेम बेल्जियम। ठीक है, फ्लैंडर कप 2023 एथलेटिक्स जो है वो बेल्जियम में हो रही थी, वहाँ पे किसने दो गोल्ड मेडल जीते हैं, दैट इज सी अलमन बोरगोहन, उन्होंने इसमें दो गोल्ड मेडल जीते हैं। थाईलैंड ओपन टाइटल किसने जीता है, दैट इज सी अन से योंग। ठीक है, अन से योंग ने इसको जीता है। ये क्या है, आपको पता है ये साउथ कोरिया की एक काफ़ी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने चाइना की हे बिंग जियो, ठीक है, उनको इन्होंने फाइनल में हराया है। कौन सी स्टेट का किश्तवाड़, ठीक है, कौन सी स्टेट में किश्तवाड़ है जो कि नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हब बनने वाला है, दैट इज बी जम्मू कश्मीर। ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, दैट इज बी केप टाउन में। आपको पता है इस बार का जो ब्रिक्स समिट होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स होंगी ना ब्रिक्स की इस साल, वो सारी की सारी साउथ अफ्रीका में होगी। तो साउथ अफ्रीका की एक सिटी है जिसका नाम है केप टाउन, वहाँ पे ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो हो रही है। अब ब्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये 2001 में बना था, जिमो नील ने इसको बनाया था। ठीक है, और ब्रिक्स की जो 15th समिट है वो कहाँ पे होगी, अब इसकी समिट याद रखना काफी इजी है। ठीक है, इंडिया में 13वीं जो समिट हुई थी वो इंडिया में हुई थी, 14वीं जो समिट हुई है वो हुई है चाइना में, अब है 15th समिट। ठीक है, इस साल है 15th समिट, वो होगी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी 16th, वो होगी ब्राजील में, 17th होगी रशिया में, 18th फिर से इंडिया में होगी। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है वो पहली स्टेट बनी है टू नोटिफाई अ कमेटी, किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ सीड प्रिजर्व्ड बाय द ट्राइबल फार्मर्स। जो ट्राइबल फार्मर्स हैं वो जो खेती करते हैं उनके खेती करने का जो बीज है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कमेटी जो है वो किस स्टेट ने बनाई है, दैट इज सी ओडिशा। वो बिकेम द फर्स्ट वीमेन एनसीसी कैडेट, ठीक है, टू कंप्लीट माउंटेनियरिंग कोर्स, दैट इज बी शालिनी सिंह। गृह लक्ष्मी और युवा निधि, ठीक है, ये दोनों स्कीम्स किस स्टेट की हैं, दैट इज सी ये दोनों स्टेट, ये है कर्नाटका की स्कीम्स। ठीक है, रिसेंटली इंडिया की जो फर्स्ट डिलक्स ट्रेन है जिसने 93 ईयर्स ऑफ सर्विसेज जो कंप्लीट किए हैं, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है डेक्कन क्वीन। आर्कटिक एक्सरसाइज जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज है, दैट इज ए नाटो। ठीक है, और नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोलनबर्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नाटो के कुल सदस्य हो गए हैं 31। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज सी सेलेस्टे सुआलो जी बने हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कौन कौन सी कंट्री बनी है, कितनी कंट्रीज बनी है, हर साल बनती है, हर 2 साल में बनती है, पांच पांच कंट्रीज जो है वो नॉन परमानेंट बनती है। इस बार की जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो है अल्जीरिया, गोयना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन एंड स्लोवेनिया, ये पांच कंट्रीज हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स बनी है यूएनएससी की। अब यूएनएससी की, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, आपको पता है पांच इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, आपको पता है यूएसए है, ठीक है, यूके है, तीसरा चाइना है, चौथा रशिया है, पांचवा कौन सा है, पांचवा है फ्रांस। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में इनको चूज किया जाता है, नॉन परमानेंट मेंबर वो होते हैं पांच। ठीक है, तो इस बार जो है ये वाली कंट्रीज जो है इसकी नॉन परमानेंट बनी है, ये 2 साल के लिए ये मेंबर बनी है यूएनएससी की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं, ये 1945 में बना था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको बनाया था। ठीक है, इसके पांच डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरिएट। ठीक है, पांच परमानेंट मेंबर्स मैंने आपको बताया, चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। ठीक है, इनको P5 बोलते हैं और इनके पास वीटो पावर भी होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। पीएम मोदी लॉन्चेस अमृत धरोहर एंड मिश्ती स्कीम्स फॉर, दैट इज ए वेटलैंड मैंग्रोव
कंजर्वेशन। अब मिष्टी का मतलब होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेरोलाइन हैबिटेंट एंड टेंजिबल इनकम्स। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने एल्डर लाइन सर्विस जो है वो लॉन्च की है, किसके लिए? टू गिव शेल्टर टू द एल्डरली होमलेस पीपल, दैट इज बी उत्तर प्रदेश। और इसके लिए एल्डर लाइन फोन नंबर जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 14567 पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिया नामीबिया ज्वाइंट कमीशन कॉपरेशन स्टार्टेड इन, दैट इज सी विंड हॉक। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स, दैट इज बी इंडिया, ठीक है। इसका नाम है गगन जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये एशिया का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन है हेलीकॉप्टर्स के लिए। कैफू नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, दैट इज ए जाम्बिया। तो जाम्बिया में है कैफू नेशनल पार्क। यहाँ पे लॉयन और लेपर्ड की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या था न्यूज़ में था, ठीक है। ये जाम्बिया है। जिम्बाब्वे इसकी देखो यहाँ पे कंट्री साथ में ही है, मोजम्बिक्यू भी है, तंजानिया भी है, DRC भी है, एंड अंगोला भी इसकी क्या है नेबरिंग कंट्रीज हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ का जो जाम्बिया की जो करेंसी है उसका नाम है क्वेचा। और आपको जानने में ये हैरानी होगी कि एक क्वेचा की वैल्यू होती है 4 इंडियन रुपीस के बराबर। तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, इनका जो पैसा है वो काफ़ी क्वेचा है, रुपीज से काफ़ी स्ट्रांग है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल इज अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टेड बाय, दैट इज BDRDO। विच गवर्नमेंट स्टार्टेड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, दैट इज ए उत्तर प्रदेश। इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, ठीक है। सबसे ज्यादा जो स्टील प्रोड्यूस करता है वो करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 95.7 मिलियन मीट्रिक टन्स। उसके बाद इंडिया जो प्रोड्यूस करता है स्टील वो है 11.4 मीट्रिक टन। तीसरे नंबर पे है जापान, चौथे पे है US, पांचवे पे है रशिया, छठे पे है साउथ कोरिया। तो आपने ये याद रखना है पहले तीन नंबर पे कौन है, पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे जापान। कौन बना है फर्स्ट वीमेन फ्रॉम तमिलनाडु जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, दैट इज सी मुथामिज सेल्वी जी। वॉज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज डी जनार्दन प्रसाद। फर्स्ट एम्स इन द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री का पहला एम्स जिसको NABH की एग्रेडेशन मिली है वो है एम्स नागपुर, ठीक है। एग्रेडेशन इसकी मिलती है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उसके बेस पे NABH एग्रेडेशन मिलती है। तो पहला एम्स बना है कंट्री का जिसको क्या मिला है NABH की एग्रेडेशन मिली है, उसका नाम है एम्स नागपुर। NABH का मतलब होता है नेशनल एग्रेडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीज टू सेट बायलेटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोस, ठीक है। इंडिया और सर्बिया ने क्या किया है, एक बायलेटरल ट्रेड जो है वो सेट किया है कि हम 1 बिलियन यूरोस का ट्रेड जो है आपस में करेंगे, ठीक है। अब सर्बिया के बारे में जानते हैं, आपको पता ही है ये वेस्ट सेंट्रल बाल्कन नेशन है, ठीक है, सर्बिया, ठीक है। और हाँ, सर्बिया यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है अन्ना बर्नाबिक, कैपिटल है बेलग्रेड, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर बुकिक एंड करेंसी है सर्बियन दिनार। एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज डी साउथ कोरिया जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें जापान का पहला नंबर है, पहला नंबर पर जापान है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पे इसमें इंडिया है, और इंडिया ने इसमें 12 मेडल जीते हैं। एज पर इंडिया रैंकिंग 2023, इंडिया में NIRF की रैंकिंग होती है ना, ठीक है, तो इसमें पहली पोजीशन पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, दैट इज IIT मद्रास में पहले नंबर पे है, लाइक IIT मद्रास, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे, फिर कानपुर, रुड़की, खड़गपुर। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। ओवरऑल जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास है, दूसरे नंबर पे वैसे ओवरऑल में है IISc बेंगलुरु, ठीक है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग सेक्टर में IIT मद्रास पहले पे, IIT दिल्ली दूसरे पे, IIT बॉम्बे तीसरे पे। Which institution launched
अंतरदृष्टि डैशबोर्ड, ठीक है, दैट इज डी आर बी आई। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोबर्धन, दैट इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसने लॉन्च किया है एक नोवल जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, दैट इज सी, शांतनु गुप्ता जी। साइक्लोन अभी अभी आया था विपर्जोय, वो किसने उसका नाम दिया था, दैट इज सी, बांग्लादेश ने उसको ये नाम दिया था विपर्जोय। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ए, 5th of June। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड पीस कमेटी इन, दैट इज बी, मणिपुर। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड यूएई, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप हो रही है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रही है, जिसका पहला एडिशन जो है वो हो रहा है, वो कहाँ पे होगा, वो होगा गल्फ ऑफ ओमान में। किस किस के बीच में, इंडिया फ्रांस एंड यूएई। वो लॉन्चेस गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन GEM 2023, दैट इज डी, NTPC खांती। पहले केरलाइट, केरला के जो पहले पर्सन है जिनको मिला था अशोक चक्र, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, इनका नाम है, दैट इज सी, अल्बीडी क्रूज। फ्रेंच ओपन 2023 का सिंगल का टाइटल किसने जीता है, दैट इज डी, नोवाक जोकोविच एंड ईगा स्वेटेक दोनों ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच मेल कैटेगरी में, ईगा स्वेटेक फीमेल कैटेगरी में। अभी अभी जो है हिमाचल प्रदेश का तो टेट का एग्जाम हुआ है, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, ठीक है, इस साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, दूसरा ये फ्रेंच ओपन हुआ है, ठीक है, और इसमें जो विनर है वो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, और फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो फीमेल कैटेगरी है वो जीता है रिबिकाना जी ने, ठीक है, रिबिकाना जी ने जीता है, और फ्रांस की जो फीमेल टाइटल जीता है वो जीता है ईगा स्वेटेक ने, ठीक है, तो ये आपने चारों याद रखने हैं, ठीक है। वीमेन सिंगल नोवाक मैन सिंगल नोवाक जोकोविच एंड ईगा स्वेटेक ने इसको जीता है, ठीक है। कैरोलिना मुचोबा जो है रनर अप रही है, एंड कैप्चर रूट जो है वो मेल में रनर अप रहे हैं। सॉरी, वीमेन सिंगल जो है वो यहाँ पे जीता है सबलिंका, ठीक है, बेलारूस की सबलिंका ने जीता है, ठीक है। वीमेन्स पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन, दैट इज बी, न्यू दिल्ली। विच कोड क्वेस्ट नागालैंड गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन बैनिंग डॉग मीट सेल, दैट इज ए, गुवाहाटी हाईकोर्ट। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ठीक है, दैट इज सी, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। हु वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल, दैट इज सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी तक दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, एक हुई है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड फाइनल, एक हुआ है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, और दोनों में इंडिया हार गया है, ठीक है। पहला जो टेस्ट चैंपियनशिप जीता था वो न्यूजीलैंड ने जीता था, अभी वाला जो जीता है सेकेंड वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ये पांच टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग स्ट्रीक है आईसीसी टाइटल्स में, आईसीसी के जो टाइटल है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप 1 बार जीता है, और 1 बार उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। द डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है, जिसको जो है वो हेल्थ फॉर ऑल में स्पेशल अवार्ड मिला है, ठीक है। वो अवार्ड किसने दिया है, वो दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिल्वियो बेलारुस्कोनी जिनके भी डेथ हुई है, वो क्या थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इटली के। वो गिव्स $130 million टू इंक्रीज हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, दैट इज सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप कहां पे स्टार्ट हुई है, दैट इज सी, चेन्नई में। एक्वेरियन जो है ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया एंड मालदीव्स, इसका ये 12th एडिशन है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जो है वो किसने लॉन्च किया है, दैट इज डी, वॉक फ्री फाउंडेशन ने।
और इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा स्लेवरी कहाँ पे होती है, फोर्स्ड लेबर कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ कोरिया में, दूसरे नंबर पे एरिट्रिया, तीसरे नंबर पे मॉरिटेना, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया। और सबसे कम कहाँ पे होती है, सबसे कम होती है स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, जर्मनी में एंड नीदरलैंड में, ठीक है, एंड स्वीडन में। नॉर्थ ईस्ट, कौन सी ऐसी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, दैट इज डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसके रिसर्चर ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज बी ई एस ई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन ग्वाला रिवर, ठीक है, ग्वाला रिवर जो है वो उत्तराखंड की है, वहां पे माइनिंग का काम जो है कंटिन्यूसली चला रहेगा, ठीक है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है। अभी फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है इंडिया में, उसमें टॉप रैंकिंग जो है वो किस स्टेट को मिली है एमंग लार्जेस्ट स्टेट, दैट इज सी बिहार। बिहार इसमें पहले नंबर पे है, पंजाब दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा पहले पे, मणिपुर दूसरे, सिक्किम तीसरे, और यूटी में जम्मू कश्मीर पहले, दिल्ली दूसरे एंड चंडीगढ़ तीसरे। इसरो का जो पायनियरिंग मिशन है इन विच कंट्री टू स्ट्रेंथनिंग स्पेस सेक्टर टाइज, दैट इज डी नॉर्वे। Who launches Evolve Mission with Niti Aayog? That is D. SIDBI. ठीक है, Evolve Mission है हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए। Which railway station becomes Northeast first to get FSSAI Eat Right Station Certification? ठीक है, जहां पे हमारे पास खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे हाइजीन के साथ मिलता है, वो है गुवाहाटी। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला FSSAI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन वाला रेलवे स्टेशन बना है। फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, दैट इज ए भुवनेश्वर। विच कंट्री विल रिज्वाइन यूनेस्को, दैट इज बी यूएसए। हु लॉन्चेज इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया, दैट इज सी वर्ल्ड बैंक। पांच बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना से पांच बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं किसके लिए, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए। वो है नंबर वन मुजम जाही मार्केट जो कि तेलंगाना की है, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, ठीक है, बीआर अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस एंड यादाद्री टेंपल। ये पांचों जो है वो सिलेक्ट कर दिए गए हैं इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए। जो सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना के। हु हैज बिन गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, कहाँ पे, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में जो कि लंदन में हुआ है, ठीक है, दैट इज ए शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर है इंडिया के, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके ये गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, द नेशनल, और इसमें अगर गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को क्या मिला है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वारखारी कम्युनिटी जिन्होंने पालकी फेस्टिवल मनाया वो कहाँ पे है, दैट इज ए महाराष्ट्र। किसने जीता है, अमेरिका का इकबाल मसीह अवार्ड 2023, दैट इज ए ललिता नटराजन जी। विच जी एस आई टी आई इज रिकॉग्नाइज्ड एज अति उत्तम, दैट इज डी हैदराबाद। सो हैदराबाद का जो जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको क्या मिला है, उसको मिला है अति उत्तम अवार्ड, किसके द्वारा, NABET के द्वारा, दैट इज नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा। रजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, दैट इज डी ओडिशा। यूके ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वीमेन एनवे टू पाकिस्तान, उसका नाम है जेन मैरियट। तो बीपर जो है बना है फर्स्ट, पहला ऐसा साइक्लोन बना है जो सबसे लंबे समय तक अरेबियन सी में रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अरेबियन सी है, इस साइड पे गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे ये चक्रवात आया था। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, यहाँ पे ये चक्रवात आया था, इसका नाम है बीपर जो है, जो कि बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। तो ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, रहने वाला, ठीक है, ये कम से कम 12 से 15 दिन तक रहा था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा रहने वाला एक साइक्लोन बन गया है अरेबियन सी में, ठीक है। और उससे पहले साइक्लोन क्या रहा था 2019 में, वो जो ये जो चक्रवात रहा था ये 9 दिन 15 घंटे तक रहा था।
At what level RBI's monetary policy committee fixed the repo rate in its June 2023 bi-monthly meeting? That is B, 6.5%. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, उसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज बी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है, जो कि दिल्ली में है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? महेंद्रनाथ पांडे जी ने। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? आपस में joints hand to accelerate sustainable development in India. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? उन्होंने रीनेम किया है, यूपी के जितने भी जेल है उनको बोला जाएगा रिफॉर्म होम्स। धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्स ऑफ विच कंट्रीज फर्स्ट एग्री एस सी जी प्रोजेक्ट, दैट इज सी, गैबन। एक्स खान क्वेस्ट 2023 कहां पे स्टार्ट हुआ है? दैट इज बी, मंगोलिया में। अन्ना भाग्य स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज ए, कर्नाटका। हु वॉन वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप? ठीक है, दैट इज सी, इजिप्ट। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो कहां पे हो रही थी? वो चेन्नई में हो रही थी। ठीक है, इसका जो टाइटल जीता है, फाइनल जीता है, वो जीता है इजिप्ट ने। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रहा है मलेशिया, तीसरे में रहे इंडिया और जापान। Who launches the Muscat for the upcoming 37th National Games? ठीक है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने जो है मस्कट लॉन्च किया है 37th नेशनल गेम का, और ये है मस्कट। ठीक है, इसका नाम है मोगा। ठीक है, ये इस तरह का होता है, ये इंडियन बिसन होता है, इस ये एक वाइल्ड एनिमल की तरह होता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल की तरह दिख रहा है। ठीक है, और इसके हॉर्न्स भी हैं, सिंग भी है, गाय की तरह शक्ल है, इसको बोलते हैं हम मोगा। Who has been awarded Gandhi Peace Prize for 2021? That is B, Geeta Press, Gorakhpur. Which state launched app called Arun Pol app? ठीक है, Arun Pol मतलब ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। NTPC का जो विद्युत व्यापार निगम है, उन्होंने कमीशन किया है फर्स्ट सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट, कहाँ पे? IIT जोधपुर में। Who will become first Muslim women federal judge of USA? That is C, Nusrat Chaudhary ji, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश की हैं। Who has been selected as the new chief research and analysis wing? RAW के जो new chief है वो कौन बने हैं? वो बने हैं रवि सिन्हा जी। Who won men double championship at Indonesia 2023? Indonesia 2023 में men की जो double championship है बैडमिंटन में, वो किसने जीती है? चिराग एंड सात्विक ने। डी, यूनाइटेड नेशन ने एडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन द हाई सी। ठीक है, बड़े बड़े जो समुद्र है, समुद्र के नीचे के की जो लाइफ है उसको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पहली ट्रीटी जो है वो लॉन्च की है। Who create history by winning India's first medal in Asian Fencing Championship? Asian Fencing Championship में पहली बार फेंसिंग में इंडिया को जो कोई अवार्ड मिला है, कोई मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वो मिला है भवानी देवी जी को। Who receive European Essay Prize? उनका नाम है अनुरंदिति रॉय। इंडिया गिफ्ट मिसाइल करवेट INS कृपाण किसको दिया है? वियतनाम को दिया है। सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स सूट ऑन IGOT प्लेटफॉर्म, किसके लिए? जो यूथ है उनमें जो स्किल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो ये इस प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है, इस पोर्टल का नाम है, इसका नाम है दक्षता। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21st of June, और इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। Which state UT recently withdraw its general consent for CBI investigations? That is C, Tamil Nadu. ठीक है, ऐसी टोटल ऐसी 10 स्टेट्स हो गई हैं जिन्होंने जनरल कंसेंट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन को विदड्रॉ कर दिया है, जिसका नाम है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। मतलब कि CBI ने अगर कोई भी जाँच करनी है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो वो उनको CM से पूछने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। विच कंट्री रिटर्न्स रिमेन ऑफ इंडिजीनियस माओरी एंड
मोरोरी पीपल टू न्यूजीलैंड, दैट इज सी, जर्मनी ने ये हटाए हैं। हु बिकम्स सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर लीडर कौन बना है, दैट इज ए, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये किसने ये लिस्ट जारी की है, यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उन्होंने ये लिस्ट बनाई है। पहले नंबर पे इसमें है नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे है एलन बर्सेट, तीसरे नंबर पे है मैन्यूल लोपेज, चौथे नंबर पे एंथनी एनवलीस और पांचवें नंबर पे है जॉर्जिया मेलोनी। गिफ्ट सिटी के जो चेयरमैन है उसको किसको बनाया गया है, हसमुख अधिया जी को। हु हैज बीन टेक्स ओवर द सीईओ ऑफ UIDAI, दैट इज डी, अमित अग्रवाल। कुछ और तो कुछ और पर्सन है जिनके नेम है जो अभी जिनको अपॉइंट किया गया है, लाइक अजय बैंगा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रवीण सूद CBI डायरेक्टर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है, देवादत्ता चंद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, रजनीश कर्नाटक ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है बैंक ऑफ इंडिया के, एंड शांतनु रॉय ये है CMD ऑफ BEML लिमिटेड। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, दैट इज सी, न्यू दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में। फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन नेशन पहला जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज अलाउ की है उनका नाम है एस्टोनिया। हु विंस जर्मन बुक ट्रेड 2023 पीस अवार्ड, दैट इज बी, सलमान रुशीद। हु टू बी कंफर्म्ड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड, पहली बार जो है प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, इन लिटरेचर में, ठीक है, आंसर इसका सी है, दैट इज आचार्य गोपी। विच कंट्री क्रिएट हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रोमोट कंट्री थ्रू योगा, अपनी कंट्री को योगा के थ्रू प्रमोट कर रही है कौन, ओमान, ठीक है, ओमान जो कंट्री है वो अपनी कंट्री को प्रमोट कर रही है थ्रू योगा, और ये ऐसा करने वाली पहली फॉरेन गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ सके। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, दैट इज डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। विच सिटी सेट्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे, योगा डे के दिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो लोग इकट्ठे हुए हैं इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है, कहाँ पे बना है, सूरत में बना है, यहाँ पे 1.53 लाख पीपल जो है वो योगा डे के इवेंट के दिन सूरत गुजरात में देखे गए। विच कंट्री इंक्स डील विद $4.8 बिलियन विद पाकिस्तान, ठीक है, मतलब कि चाइना ने इन्वेस्ट कर रहा है $4.8 बिलियन कहाँ पे, पाकिस्तान में, किसके लिए, ताकि वो अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना सके। वो अपॉइंट एडी वो एज द न्यू CEO, ठीक है, एडी वो जो है नए CEO बने हैं। जोसेफ साई जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, किसके, अलीबाबा के। पेंगल पाथुकाप्टू तीतम, ठीक है, ये वुमेन सेफ्टी की एक स्कीम है विच इज लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु। फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, USA रेगुलेटर्स अप्रूव द सेल ऑफ चिकन मेड फ्रॉम द एनिमल सेल, मतलब कि जो चिकन हमने एक एनिमल होगा उसका एक पर्टिकुलर सेल लेंगे, छोटा सा सेल लेंगे, उसको कहाँ पे डालेंगे, बड़ी बड़ी फर्नासेस में डालेंगे, लैब्स में डालेंगे, वहाँ पे इससे क्या किया जाएगा, बहुत सारा मीट तैयार किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लैब में तैयार किया हुआ मीट। तो इसके सेल के लिए जो है अनुमति दे दी गई है किसके द्वारा, USA के द्वारा। वो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM बाय द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के न्यू PM बने हैं पेटेरी ओरपो। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वीमेन वर्टिकल, दैट इज बी, रूबी सिन्हा, शी इज इंडियन ओरिजिन की है। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, इंडिया का कौन सा रैंक है, दैट इज बी, 127th रैंक है आउट ऑफ 146। पहले नंबर पे इसमें है आइसलैंड जिसमें सबसे कम जो है जेंडर गैप है, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे। जेंडर गैप का मतलब कि जैसे हमारे पास मेल फीमेल्स होते हैं उनके बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है उस बेस पे, ठीक है, तो पहले नंबर पे इसमें आइसलैंड है, सबसे कम होता है यहाँ पे नॉर्वे में। दूसरे नंबर पे एशिया में एशिया में 59th नंबर पे बांग्लादेश, 103 पे भूटान, 107 पे चाइना, ठीक है, और इंडिया है 127th पे।
इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है ध्रुव, दैट इज डी राजनाथ सिंह। ठीक है, जो टाटा पावर है बिकम्स द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कहाँ पे, इंडिया में, द REBR की 2023 की ये रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे है अमेजन, वो लॉन्चेस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है, NHAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, दोनों ने ये मिलकर लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनॉग्रेटेड सिलिका रिडक्शन प्लांट प्रोजेक्ट एट, दैट इज ए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भिलाई स्टील प्लांट ढाली माइंस में। जो भिलाई का स्टील प्लांट है जो कि सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, वहां पे सिलिका रिडक्शन प्लांट जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब स्टील प्लांट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, सबसे पहले हम स्टील प्लांट के बारे में बात करेंगे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेल के अंतर्गत आते हैं, जो ब्लैक कलर में लिखे हो सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, सेल का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है, बोकारो में एक प्लांट है, ठीक है, फिर बर्नपुर में है, फिर दुर्गापुर में है, फिर राउरकेला में है, भिलाई में है, चंद्रपुर में है, भद्रावती में है एंड सलेम में है। ठीक है, ये हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है। अब टाटा का अपना स्टील प्लांट है, ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में इनका ऑफिस है और जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में इनका प्लांट है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो रेडवन में लिखे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता हमारे पास विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यहाँ पे ये इनका भी एक स्टील प्लांट है। अमंग दोज हुइज टू लॉन्च इट्स क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, ठीक है, दैट इज एप्पल। 8th जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है 2023 की, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज बी मुंबई। अमित शाह लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ कहाँ पे, दैट इज ए श्रीनगर। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड $400 मिलियन लोन टू, दैट इज ए बांग्लादेश, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सके। रिसेंटली PM मोदी कन्फर्ड विद विच कंट्रीज हाईएस्ट स्टेट ऑनर, ठीक है, कौन सी कंट्री का इनको हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड मिला है, दैट इज डी इजिप्ट। हु बिकेम द न्यू PM ऑफ ग्रीस, दैट इज सी कैरियाकोस मित्सोताकिस। विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल बिटवीन नुमालीगढ़ टू गोहपुर, दैट इज डी आसाम। पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च्ड नंदी पोर्टल, व्हाट डज नंदी मीन, नंदी का मतलब क्या होता है, नंदी का मतलब है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनक्यूलेशन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइंड MOU फॉर सॉइल असेसमेंट विद, दैट इज डी पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। QCI एंड उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेज उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प, ठीक है, इन भुवनेश्वर। जीतेंगे हम इज ए कैंपेन विच इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज श्री गौतम अडानी, और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ताकि हम अपना क्या कर सके, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, ताकि हम जीत वो वर्ल्ड कप क्या कर सके, जीत सके, तो उसके लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया है, जीतेंगे हम बाय गौतम अडानी। अप टू जून 2023 हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन आर देयर इन इंडिया, दैट इज C23। किसने लॉन्च किया है चैंपियंस 2.0 पोर्टल मोबाइल ऐप एंड MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0, दैट इज डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। विच स्टेट लॉन्चेज ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर, दैट इज बी UP। QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सबसे पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, दैट इज बी MIT, तो पहले नंबर पे इसमें MIT, दूसरे पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, और एशिया में पहले नंबर पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि सिंगापुर की है, और ये टोटल ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसका 8वां नंबर है। अब इंडिया की बात करते हैं, IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड रैंकिंग में है 149th नंबर पे, बट इंडिया में ये पहले नंबर पे है। IIT दिल्ली 197 के साथ दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और IIC बेंगलुरु 225वीं इनकी वर्ल्ड में रैंकिंग है, और ये इंडिया में तीसरे नंबर पे है। वो रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रन के लिटरेचर के लिए, दैट इज सी प्रिया AS। 1000 साल पुराना जैन स्कल्पचर इज डिस्कवर्ड इन, दैट इज बी हैदराबाद।
कौन सी ऐसी स्टेट एंड यूटी है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है अबाधा स्कीम। अबाधा का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेशन बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। जो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने डेवलप करना है, उसको हमने बचा के रखना है। तो ये वाली स्कीम है अबाधा स्कीम, ये किसने लॉन्च की है? ओडिशा ने। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन फ्रॉम जींद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट से हमारी ये सबसे पहले रन करेगी, ठीक है, इंडिया में। और ये जो जींद है ये कहाँ पे आता है? ये आता है हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में। सिक्स्थ एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला विल बी ऑर्गेनाइज एट दैट इज सी जयपुर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू बी हेल्ड इन दैट इज बी न्यू दिल्ली। Who has been appointed as the director of UNOOSA, that is C. Aarti Hola Miani. Who wins Ladies European Tour title at the Czech Ladies Open at the Royal Bourne Golf Club, that is B. Diksha Dagar. ऐसा करने वाली है इंडिया की दूसरी फीमेल बन गई है, पहली है अदिति अशोक, दूसरी बनी है दीक्षा डागर। Who launches Report Fish Disease App, that is B. Purushottam Rupala. Recently, Virgin Galactic completes its first manned mission to the space. Who approves $700 million for crisis hit Sri Lanka? That is C. World Bank. What is the full form of PM Pranam? PM का मतलब है प्रधानमंत्री, Pranam का मतलब है Promotion of Alternative Nutrients for Agriculture Management Scheme, ताकि हम जो हमारे पास, आपको पता है कि जितने भी हमारे पास खाद वगैरह होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अवर इन्वायरमेंट। सो उसको, उससे बचने के लिए कुछ और अल्टरनेटिव हमने ढूंढने हैं जो केमिकल से, जिसमें केमिकल ना यूज़ हो। तो इसके लिए ये स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। Was been appointed as the deputy head of UNDP, that is a Xu Haoliang. Who launches digital nomad strategy, ठीक है, for foreign workers, that is B. Canada. कनाडा में क्या है, आजकल स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, उनकी उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, बाहर से जितने भी हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं किसी और कंट्रीज़ के, वो इजीली वहाँ पे आ सकते हैं काम करने के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो स्कीम है, ये लॉन्च की है डिजिटल नोमाद स्ट्रेटजी बाय कनाडा। वो वन द टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल, ठीक है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल जो है वो कोरिया में हो रहा था, ठीक है, इसमें ईरान और इंडिया फाइनल में थे और इंडिया ने ईरान को फाइनल में 42-32 के स्कोर से हराया, ठीक है। टोटल एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई है 9, उसमें से 8 इंडिया ने जीती है, ठीक है। टोटल कबड्डी के वर्ल्ड कप हुए 3 और 3 के 3 इंडिया ने जीते हैं। Who has been appointed as a special director in CBI, that is C. Ajay Bhatnagar. अब वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लाइक पेटीएम कोलेबरेट विद अरुणाचल प्रदेश टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। कोल इंडिया जो है वो आएगा कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। यूनाइटेड किंगडम का जो नेट डेप्ट है वो 100% हो गया है उनकी जीडीपी का, और ये 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है CREDAI गार्डन पीपल्स पार्क इन अहमदाबाद। पाकिस्तान ने बैन कर दिया है होली को टू सेव इस्लामिक आइडेंटिटी। अभी ये मेरे को ये पता नहीं है, शायद इन्होंने ये बैन लिफ्ट जो बैन है उसको हटा दिया है, अब इसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, शायद आप सर्च कर लेना। चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल टू डिक्लेयर 26/11 अटैक एक्यूज्ड साजिद मीर एज द ग्लोबल टेररिस्ट। कलियलो वोल्केनो इरेप्ट्स, और ये कहाँ पे है, हवाई के बिग आइलैंड में। चाइना ने अनवील किया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल फॉर एडवांसिंग एरोस्पेस एम्बिशंस। अब INS त्रिशूल है सेलिब्रेट गांधी सत्याग्रह इन डरबन साउथ अफ्रीका। अब राजस्थान गुजरात एंड तमिलनाडु इमर्ज टॉप अचीवर इन द विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा बनती है राजस्थान में, फिर गुजरात में एवं फिर तमिलनाडु में। इंडियन नेवी लॉन्चेस जुलाई लद्दाख हेलो लद्दाख इनिशिएटिव
कहाँ पे, लद्दाख में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन नेवी की तरफ अट्रैक्ट हो। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद आईकॉम टेली लिमिटेड टू प्रक्योर 1,035 नंबर्स ऑफ 5/7.5 टन रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूएन जनरल असेंबली है हैज अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश न्यू मेमोरियल वॉल। ठीक है, एक न्यू मेमोरियल वॉल बनेगी किसके लिए? फॉर फॉलन पीसकीपर, जो पीसकीपर्स जो है हमारे पास जिनकी डेथ होती है या फिर जो इंजर्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये आइडिया किसने दिया था? इंडिया ने दिया था यूनाइटेड नेशन को। द रियल इस्टेट वेटरन जिनका नाम है अश्विंदर आर सिंह लॉन्च्ड हिज बुक जिसका नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। नॉर्थ कोरिया हैज़ रिपोर्टेडली फायर टू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, कहाँ पे? जापान की तरफ। ठीक है, और जापान ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप यहाँ पे आ जाओ। जापान साइंस 2.9 मिलियन यूएस डॉलर डील विद यूएनएचआरसी फॉर रोहिंग्या सपोर्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए ग्रुप ऑफ इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइज है इनॉग्रल हिंदू अमेरिकन समिट। कहाँ पे हो रही है ये? यूनाइटेड स्टेट कैपिटल हिल में हो रही है। कार्मक मैकार्थी पुलित्जर प्राइज विनिंग नोबेलिस्ट, उनकी डेथ हो गई है। इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है टचेज ऑल टाइम हाई ऑफ 8.09 बिलियन डॉलर्स इन 2022-23। दिल्ली के सीएम ने अनवील किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर पेंडिंग बिल्स। ठीक है, इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोची। अब जो निवारी डिस्ट्रिक्ट है बिकेम द सेकेंड हरगल जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक है, पहली डिस्ट्रिक्ट कौन है पूरे के पूरे इंडिया की और मध्य प्रदेश की पहली डिस्ट्रिक्ट जो हरगढ़ जल डिस्ट्रिक्ट बनी है वो बनी है बुरहानपुर, और दूसरी मध्य प्रदेश की हरगढ़ जल डिस्ट्रिक्ट बनी है निवारी। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अर्चना अत्रम बिकम्स द फर्स्ट वीमेन ड्राइवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बस। ठीक है, संधाश पंत टू बी न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। ठीक है, उत्तम चंद हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। ठीक है, द US सीनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी हैज अप्रूव द एंडिंग चाइनाज डेवलपिंग नेशन स्टेटस एक्ट विदाउट डिसेंट। अब लास्ट न्यूज है, ओवर 40% गर्ल्स मैरिड बिफोर एट द एज ऑफ 18 इन बांग्लादेश। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू।